सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे, मैं हूं श्रेयांश और ये है मिडनाइट मसाला। ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, अगर तुम्हें मौका मिले वक्त में पीछे जाने का, अगर वुड यू डू द सेम थिंग, उस इंसान को रोकने की और कोशिश करोगे, उस इंसान से समझने की कोशिश करोगे कि उसने जो भी किया वो क्यों किया, क्या तुम उसको बताओगे कि तुम्हारे क्या हालात थे कि तुम्हें ऐसा कोई कदम उठाना पड़ा। फिर सोच रहा था उससे पूछोगे कि मुझे पता तुम मुझे धोखा दे रहे हो, प्लीज, क्योंकि उसके बाद जब हम अलग होंगे हम दोनों की जिंदगियां बदल जाएंगी, तुम तो मूव ऑन कर जाओगे लेकिन मेरे अंदर से प्यार शब्द से इरिटेशन नफरत हो जाएगी। उसे फिर भी मौका दोगे ये जानते हुए कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया उसने, अगर वक्त में पीछे जाते हो तो उसको एक आखिरी बार गले मिलना चाहोगे? जोर से रोना चाहोगे उसके साथ? उसे पूछना चाहोगे कि एक बार और भरोसा करके देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उसे झूठी दिलासा देना चाहोगे? क्या खुद से उस आईने में जाकर पूछोगे कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट फिर भी खो रहे हो, तुम वक्त में वापस पीछे आए हो अपने आप को और जलील करने के लिए? खुद से ये बात कर पाओगे? गिड़गिड़ाओगे उसके सामने कि प्लीज तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम मेरी लाइफ का इकलौता सपोर्ट हो? फिर भी उसे ये बात पूछोगे क्योंकि शायद उसे ये बात समझ नहीं आती, लेकिन तुम अब उसके जाने के बाद तुम नहीं रहे, उसे ये बात समझाओगे? आखिरी बार उसकी आंखों में देखकर अपने आंसू छुपाओगे? आखिरी मुलाकात को खत्म करना चाहोगे? अगर वक्त में पीछे जा पाते तो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं यूं ही दिमाग में आ जाती हैं कभी कभी। खैर, शुक्र है कि वक्त में पीछे नहीं जा सकता इंसान, क्योंकि शायद अगर वक्त में पीछे जा पाते तो भी ये सारी गलतियां वापस से करते हैं। फिर से सब कुछ ठीक है होने का दिखावा करते, फिर उसके सामने रोते, फिर उसको कहते कि प्लीज 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 मेरा तुम्हें जो करना है करो, बस मेरी जिंदगी से मत जाओ, मुझे हर रोज अपने दिन के बारे में बताओ, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, मुझे एक बार सिर्फ हग करके ये कह दो कि तुम्हारी प्रेजेंस मेरी प्रेजेंस एक्चुअली में वैल्यू रखती है। तुम फिर उसके फोन का इंतजार करोगे, फिर उसके नोटिफिकेशंस का इंतजार करोगे, तुम हर उस फोटो को लाइक करना चाहोगे जिसमें तुमने उसके बारे में बातें की है, तुम फिर उन कैफेज में जाओगे जहां उसके साथ बैठकर कॉफी पिया करते थे, तुम्हें वो सारी उसकी फेवरेट जगह जो उसकी बकेट लिस्ट में थी उन सबको तुम फिर भी ट्रैवल करने के सपने देखोगे। तो शुक्र है कि वक्त में पीछे नहीं जा सकते। मगर बस सोचता हूं कि अगर सच में जा पाते तो क्या उससे पूछते कि इज दिस रियली व्हाट यू वांट आफ्टर ऑल दीज इयर्स? सच में ये हो रहा है हमारे साथ? हम सच में अलग हो रहे हैं?
अगर वक्त में पीछे जा पाते तो उस लम्हे को स्किप करना चाहते। एक बार उसको उसके माथे पर किस करके उसको फाइनल गुड बाय कहना चाहते अगर वक्त में पीछे जा पाते। शुक्र है नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वही हरकत फिर से दोहराते। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।